10 सुपर मिथ्स इन इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। तो यार वीडियो काफी ज्यादा टाइम बाद आ रही है, लेकिन ये जो वीडियो ना सब वीडियो से बहुत ज्यादा हटके होने वाली है, बिकॉज इसके अंदर बहुत ही ज्यादा शानदार मिथ्स मैं आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, एक और चीज मुझे आपको बतानी कि आगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर कुछ ऐसी वीडियोज मैं आपके लिए लाने वाला हूँ जिन्हें देखकर आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा शानदार वीडियोज होने वाली है, बहुत जल्दी आएंगी। बस आप सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑल पे कर। नंबर 1, अगर आप RGS टूल के अंदर माइकल लिखोगे तो माइकल चेक्टर आ जाएगा। क्या गाइस, सच में मेरे को तो ये मिथ पहले से फेक लग रहा है, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते। तो गाइस, मिथ माइकल की स्पेलिंग तो मेरे को पता नहीं, लेकिन शायद यही होगी, MICHAEL होनी चाहिए। तो गाइस चलो इसको सेव करते हैं। तो गाइस, ओ माय गॉड गाइस, आप यहां पे देख सकते हो, गाइस यहां पे रियल में माइकल चेक्टर आ चुका है, जो कि GTA 5 का है। तो गाइस ये तो आ चुका है। एंड गाइस, ये कैसे भाग रहा है, कैसे रन कर रहा है, यहां पे ये उल्टी साइड रन क्यों कर रहा है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में रन कर रहा है, सीधे क्यों नहीं भाग रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो, जैसे मैंने RGS टूल के अंदर माइकल लिखा तो गाइस यहां पे माइकल आ चुका है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, फेक है, मैंने एडिट कर रखा है। तो गाइस ये मिथ हो जाता है 100% बस्टेड। मिथ नंबर 2, अगर आप मेगा रैम के पीछे वाली वॉल से चिपक कर गाड़ी स्पॉन करेंगे तो गाड़ी आगे चली जाएगी। क्या गाइस सच में? तो चलो गाइस फटाफट मिथ को ट्राई करते हैं। तो गाइस मिथ में सिंपल ये बताया गया था कि गाइस ये वाली जो वॉल है, अगर इससे चिपक के हम कोई भी कार या गाड़ी स्पॉन करेंगे तो वो सीधी मेगा रैम के ऊपर ही स्पॉन होगी। तो चलो गाइस ट्राई करते हैं। तो गाइस फाइनली इसमें मैं चिपक चुका हूं पूरा एग्जैक्टली तरीके से। एंड गाइस चलो यहां पे कोई सी भी कार स्पॉन करते हैं। तो गाइस मैंने यहां पे ऑडी स्पॉन की। एंड गाइस ये क्या गाइस, ऑडी तो मेरे सिर के ऊपर ही स्पॉन हो चुकी है, जो कि गाइस आप देख सकते हो। एंड में इसके अंदर पूरा का पूरा अटक चुका हूँ या गाइस फंस चुका हूँ ग्लिच के अंदर। एंड गाइस मैं इसके बाहर तो निकल नहीं पा रहा हूँ। चलो इसके बाहर निकलने के लिए अपने पास सिंपल सी एक ट्रिक है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आपको करना कुछ नहीं, इससे बाहर निकलने के लिए आपको अपने हाथों में ले लेने स्टिकी बम और चले जाना आगे की साइड। तो गाइस हर ग्लिच के अंदर से आप इस तरीके से बाहर निकल सकते हो। तो गाइस मिथ के अनुसार यहाँ पे हम मॉल के अंदर तो जा सकते हैं, लेकिन गाइस इसी के साथ हम एक और ग्लिच कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि गाइस मैं आपको बताऊँ, अगर हम इस कार को ही यहाँ पे चिपका के गाइस से एग्जिट करते हैं तो क्या हम वॉल के उस पार जा सकते हैं? तो चलो ट्राई करके देखते हैं क्या सच में ऐसा होगा क्या। तो फाइनल गाइस मैंने इसको यहाँ से एडजस्ट कर लिया है पूरा। एंड गाइस इसको इस वॉल से चिपका दिया है कार को। अब चलो गाइस एग्जिट करते हैं। तो गाइस मैं जैसे इसको एग्जिट करता हूँ तो सिंपली गाइस हम इस वॉल के आर पार आ चुके हैं, गाइस की बैक साइड के अंदर आ चुके हैं, वॉल की बैक साइड के साइड आ चुके हैं। एंड गाइस जैसे मैं यहाँ से इसको गाइस ड्रॉप करता हूँ, जैसे हम मेगा रैम से नीचे ड्रॉप करता हूँ अपने चेक्टर को, तो गाइस सीधा सीधा कार से ज्यादा चिपक जाता है जैसे गाइस चुंबक। तो गाइस ये मिथ हो जाता है 100% कंफर्म। मिथ नंबर 2, अगर रात को पानी के साथ जो रैंप होता है वहाँ पे गोस्ट रहता है, क्या गाइस सच में अपने को वहाँ पे भूत देखने को मिलेगा? तो गाइस फाइनली आ चुका हूँ मैं इस रैंप के पास। तो गाइस यही एक रैंप है जिसके पास पानी भी है और रैंप भी। तो गाइस फाइनली इसी रैंप की अपने मिथ के अंदर बात हो रही थी। चलो गाइस देखते हैं, यहाँ पे नाइट मोड का बोला है तो नाइट मोड को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे नाइट मोड को एक्टिवेट कर लिया। अब गाइस देखते हैं यहाँ पे, गाइस डरावनी जगह तो दिख रही है। एंड यहाँ पे पानी भी गाइस काफी ज्यादा ग्लो कर रहा है, पेड़ भी ग्लो कर रहे हैं इधर जंगल के। एंड गाइस पूरा का पूरा माहौल डरावना तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई भूत वगैरह तो देखने को नहीं मिला अपने को। चलो गाइस देखते हैं रैम के पास जाके, शायद वहां पे अपने को कोई गोस्ट वगैरह देखने को मिल जाए। तो चलो मैं फटाफट अपनी कार को अपने रैम से चिपका के खड़ा कर देता हूँ, देखते हैं शायद अपने को यहाँ पे कोई ना कोई गोस्ट तो देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये क्या गाइस, अभी तक यहाँ पे कोई भी गोस्ट देखने को नहीं मिला। उड़ी बाबा, जैसे मैंने एग्जिट किया यहाँ पे तो गाइस ये क्या, मेरे को उठा के बाहर फेंक दिया यहाँ पे। तो गाइस क्या सच में यहाँ पे भूत है? अरे गाइस ऐसा कुछ नहीं यार, मैंने जैसे एग्जिट किया तो कार की ग्लिच की वजह से मैं बाहर गिरा हूँ, ऐसा मत समझना। तो गाइस यहाँ पे कोई गोस्ट नहीं है, तो गाइस ये मिथ हो जाता है बस्टेड। मिथ नंबर 4, अगर हम नॉर्मली कार या बाइक के साथ जाते हैं तो अपने को सारे ज़ॉम्बी झुंड के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हम हेलीकॉप्टर या प्लेन के साथ जाएंगे तो अपने को स्पॉन होते हुए देख सकते हैं, क्या गाइस सच में हम देख सकते हैं ज़ॉम्बी को? तो चलो गाइस देखते हैं। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट पे ज़ॉम्बी मोड को लगा के। तो गाइस अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैं बाइक को लेके आया हूँ, तो गाइस यहाँ पे सारे के सारे ज़ॉम्बी मेरे को झुंड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन गाइस क्या मैं हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन में किसी भी एक चीज को लेके आऊंगा तो ये अपने को स्पॉन होते हुए देख सकते हैं? तो चलो गाइस देखते हैं। तो गाइस फाइनली मैं हेलीकॉप्टर को लेके एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ। एंड गाइस मैंने यहाँ पे ज़ॉम्बी मोड भी लिया। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो अभी ज़ॉम्बी नहीं थे, और गाइस यहाँ पे धीरे धीरे कर गाइस बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुके हैं। एक गाइस एक जगह से गाइस बहुत सारा झुंड निकल चुका है। तो गाइस हमने फाइनली यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन होते हुए देख लिए। तो गाइस ये मिथ हो जाता है 100% कंफर्म।
मिथ नंबर 5, गोस्ट राइडिंग बाइक का कलर चेंज कर सकते हैं। टून बाइक में आरजीबी करने पर सीट का हर बार पिंक कलर नहीं होता है, क्या गाइस सच में ऐसा होता है? चलो गाइस फटाफट मिथ को ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या गाइस इसका सीट का कलर चेंज होगा कि नहीं। तो गाइस फाइनली में फटाफट यहाँ पे दो बाइक को स्पन करना है, जैसे गाइस अपना फर्स्ट बाइक होने वाला है गोस्ट राइडिंग बाइक, तो गाइस गोस्ट राइडिंग बाइक से थोड़ा सा दूर अपने को टून बाइक स्पन करना होगा वरना ब्लास्ट हो जाएगा। तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे दोनों बाइक को स्पन कर लिया है सिंपली एंड गलो। चलो गाइस फटाफट ट्राई करते हैं दोनों पे कलर। तो गाइस मैं पहले गोस्ट राइडिंग बाइक पे ट्राई करता हूँ। तो गाइस हम इसके ऊपर कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या गाइस बवाल लग रही है यार ब्लैक कलर में अपनी गोस्ट राइडिंग बाइक, यार काफी बवाल लग रही है। तो चलो गाइस और बाकी कलर चेंज करके ट्राई कर लेते हैं, शायद हो जाए। तो गाइस फाइनली यहां पे आग का कलर तो वही रहता है, लेकिन गाइस बाकी कलर हम चेंज कर सकते हैं गोस्ट राइडिंग बाइक के ऊपर। अब गाइस बार ये टून बाइक के ऊपर सीट चेंज होगा कि नहीं? तो गाइस अभी इसका ग्रे कलर का सीट है और गाइस मैं हर बार कलर चेंज कर रहा हूं तो इसका सीट का कलर चेंज नहीं हो रहा है। और गाइस जैसे मैं इसके ऊपर आरजीबी करता हूं तो गाइस की सीट का कलर पिंक हो जाता है, तो भाई ने बोला हर बार पिंक नहीं होगा। तो गाइस चलो एक बार मिक्स करके ट्राई करते हैं। तो गाइस मैंने जैसे इसके ऊपर मिक्स किया तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाइट कलर आया था, और गाइस जैसे मैंने यहाँ पे फिर से आरजीबी किया तो उसकी सीट फिर से पिंक हो गई। तो गाइस ये मीट हो जाता है 100% कंफर्म।